हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सवेरे के 8 बज गए हैं। मैं अपने गार्डन में आई हूँ कुछ सब्जियाँ लेने। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं प्याज के पत्ते और मरसा भाजी मिलाकर सब्जी बनाऊँ। और मैंने इसके साथ साथ मैंने जो लहसुन के कलियों को कैसे लगाया है अपने छत पर, उसे आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे लहसुन की कलियों को लगाती हूँ। लहसुन लगाने के लिए मैंने मिट्टी अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसमें गोबर की खाद मैं डालकर तैयार कर चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लहसुन के बीज ही खरीद कर लाई हूँ। इसे मैंने जहाँ बीज मिलता है वहाँ से 150 रुपये केजी का मिल रहा था, तो मैं 1 पाव लेकर आई हूँ। इसे मैं कैसे लगाती हूँ अपने गार्डन में दिखा रही हूँ। लगाने से पहले इनकी एक एक कलियाँ इस तरह से निकाला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ कलियाँ निकाल कर रखी हूँ। अब इसे मैं लगाती हूँ मिट्टी। लगाने से पहले उनकी जो निकाले हुए निचले भाग है उसे मिट्टी में दबाना पड़ता है। ऊपरी भाग को थोड़े से बाहर निकाल कर रखना पड़ता है। इसे 2.5 इंच की दूरी पर मैं लगाती हूँ। मैंने पिछली बार भी लगाया था। इससे लगाने इसके लहसुन बनने में बहुत समय लग जाता है, 6 महीने लगभग लग जाता है। इसलिए मैंने 4 महीने में ही उनको निकाल दी थी। तब तक छोटे छोटे से लहसुन बने हुए थे। इस बार मैं इनको आप सबों से शेयर करूंगी हार्वेस्ट करने तक। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इनके अपडेट देती रहूंगी बीच बीच में। ठीक है फ्रेंड, मैं लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने लगा लिया है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। अब इनकी जो कलियाँ निकलेंगी पौधे, तो आप सबों से शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय।